लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा नगर निगम के बाजार प्रभारी राजाराम, वाहन प्रभारी सह धावा दल प्रभारी सूरज कुमार, सहायक धावा दल प्रभारी संतोष झा, निगम कर्मी अनिल झा सहित कई निगम कर्मी नगर आयुक्त के आदेश पर पंसारी पेट्रोल पंप के निकट नगर निगम द्वारा संचालित रिफ्यूजी मार्केट के पास निगम के कर्मचारी के द्वारा वाहन जब्त किया जा रहा था। वहीं कागजी कार्रवाई भी किया जा रहा था। आपको बताते चले कि नगर निगम के द्वारा संचालित रिफ्यूजी मार्केट दुकान संख्या 9A दुकानदार मोहम्मद अशफाक ने अचानक निगम कर्मी के साथ दुकान के सामने मारपीट करने लगे। वहीं दुकानदार का कहना था कि हमारे दुकान के आगे में जाम क्यों लगा है। वहीं इस कारण कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपको बताते चले कि निगम कर्मी अवाक रह गए कि आखिर क्या हो गया। वहीं इसकी जानकारी निगम के द्वारा नगर आयुक्त को दिया गया। उसके बाद निगम कर्मी पर कैंची एवं पेचकस से हमला कर दिया गया। निगम कर्मी जान बचाकर वहां से भागे। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आपको बताते चले कि निगम कर्मी शंकर कुमार ने इस घटना की जानकारी नगर आयुक्त को दिया। वहीं नगर थाना में दिया गया आवेदन। पूरा क्या मामला हुआ, क्या घटना घटा, किसके साथ घटना घटा, क्या पूरा मामला था, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से। मनोज उनका बेटा था, वो हमसे मुंह लगाने लगा, हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद उनके पिताजी उधर से आए, हाथापाई खूब करने लग गया, गाली गलौज बहुत भद्दी भद्दी करने लगी और उसका कैंची लेके निकला, तब हम वहाँ से भाग। आपके साथ मारपीट भी हुई? हाँ, मारपीट हुई। कैंची से क्या किया आपके साथ? कैंची दुकान से लेके दौड़ के आया था हमको कैंची भोंकने के लिए। अच्छा, दुकानदारी क्या चीज़ की थी? दुकानदारी वही पानी कुरकुरे ठंडा। मैंने आप जान बचा के भागे? हाँ, जान बचा के भागे। आपने इसकी जानकारी कहाँ दी थी? किन की जानकारी? आपके साथ घटना घटना घटा जानकारी आपने किसको दिया वहाँ पर? मेरे साथ सब सर थे, बस वहीं पे थे, वहाँ से फिर सारी टीम हम लोग वहीं पर थे, वहीं पे थे सारी। नाम बताइए। शंकर कुमार। देखिए, हम लोग आज लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार हम लोग आज चुनाव कार्य में वाहन के उपयोग के लिए वाहन जब्त कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग जैसे हमारा जो दरभंगा नगर निगम के स्वामित्व वाले बाजार भवन क्षेत्र रिफ्यूजी मार्केट दुकान संख्या 9A के पास वाहन पकड़ पकड़ के हम लोग उसका सीजर लिस्ट बना रहे थे। 9A कहाँ पर है? 9A आपके बंसारी पेट्रोल पम्प के पास है, वहाँ बना रहे थे। अचानक वहाँ लगभग एक घंटे से काम चल रही थी, जिसके कारण वहाँ पर जाम की स्थिति थोड़ी बन जाती थी। स्वाभाविक है कि जब गाड़ी पकड़ेंगे हम लोग, कुछ देर दो मिनट समय लगेगा, फिर उसको जगह पर भेजते हैं, उतना देर में जैसे जाम थोड़ी लगेगी। स्थानीय दुकानदार जो है वो क्या नाम है उसका? मोहम्मद अफाक है, अशफाक नाम है उनका। वो सोएब अंसारी, पिता सोएब अंसारी, दुकान संख्या 9A। वो आया और मेरे कर्मचारी जो है शंकर कुमार यादव, उस पर लात मुक्का से प्रहार कर दिया। तुरंत यहाँ से जाम हटाओ, उसने कहा कि अभी गाड़ी सीजर होता है उसके बाद हटा देंगे हम लोग। नहीं, अभी तुरंत हटाओ। उसको कहा कि नहीं, अभी नहीं हटाएंगे। हाँ, कैसे रहे, गाड़ी हटेगी तभी ना जाएगा, उसको सीजर लिस्ट बन जाएगा तभी हटेगा। उसके बाद में उस पर जैसे लात मुक्का से प्रहार करना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने के लिए लोग जो भी गया, तो उसने इतनी में जैसे उसको कैंची निकाल लिया। उसके दो बेटे थे जिसका नाम मैंने जानता हूँ, वो दोनों भी उस पर आक्रामक रूप से हमला कर दिया। चूँकि हम लोग तो सरकारी काम को कर रहे थे, उसके कारण बाधित हो गई और हम लोग हतप्रभ रह गए, ये क्या हो गया। उसके बाद वो भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा और प्रशासन के हवाला देते हुए, अभी तुम लोग अरेस्ट कराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कड़ा करके जैसे, और बार बार वो कैंची लेकर के प्रहार करने का प्रयास करता था। बीच बचाव हम लोग ने करके शंकर कुमार को, ये आदमी है, इनको हम लोग भगाए वहाँ से कि तुम लोग जाओ यहाँ ऑफिस चले गए। और हमने नगर आयुक्त महोदय से संपर्क किया, उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराया और उनके दिशानुसार तुरंत यहाँ नगर थाना से 112 वहाँ पहुँचा और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करके उस व्यक्ति को यहाँ ले आया गया। जिसमें आप लोग वाहन पकड़ रहे थे, क्या पुलिस थी वहाँ? पुलिस, हम लोगों का एक पुलिस जो है हम लोग को मिला हुआ है, जो गृह रक्षा वाहिनी, वो हमारे साथ थे, हम लोग के साथ हम लोग काम कर रहे थे। क्या लगा आपको जो घटना घटी आपके साथ, कैसा? मुझे इस घटना से बहुत ही हम मर्माहत हुए हैं और सरकारी काम को बाधा पहुंचाया गया और स्थिति आज तक के इतिहास में जो नहीं किया गया वो काम हुआ। नगर निगम के प्रतिष्ठा के साथ खेला गया और जिला प्रशासन वगैरह सब के साथ हम लोग समझते हैं कि सरकारी काम को कर रहे थे, व्यक्तिगत रूप से तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे। जो ये सब बातें होती, उसने गाली देते आवेश में कहा कि तुम लोग केस में फंसा देंगे, मुकदमा में फंसा देंगे, सबके नाम लिखो, ये लिखो, वो लिखो,
बहुत सारी बातें होने लगी और अंततः पुलिस प्रशासन की मदद से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। माने उसके दुकान के सामने में गाड़ी की जाम लग गई, गाड़ी की जाम लग गई, उसी कारण वो आक्रोशित हो गया। क्या नाम है दुकानदार का जिसको आप आमंडित किए हुए नगर निगम के द्वारा दुकान? वो उनके पिताजी के नाम से है, जिनके जैसे मोहम्मद शोएब के नाम से दुकान आवंटन है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और मोहम्मद अशफाक जो उनके बेटे हैं उस दुकान को चला रहे थे। उनके दो बेटे और भी हैं जो उनके सहयोग, जिसका नाम नहीं मिलता, उनके सहयोग से वो दुकान को चला रहे हैं। तो अभी आप थाना पर क्या कर रहे हैं? अभी हमने थाना पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है।